সুপ্রভাতম বেটে, মানে আমি সত্যেন্দ্র সিং। শিক্ষা সাথ কে লিয়ে আজ মানে হিন্দি ব্যাকরণ পড়ানে আয়া হুম। আপ জ্ঞান ভারতী কে, মানে কি জ্ঞান ভারতী কে শিক্ষক হুম। কক্ষা সাথ কে লিয়ে হ্যাঁ হিমালয় কি বেটিয়া, ইসমে হিমালয় কি বেটিয়া পাঠ কে অন্ত মে আপ দেখেঙ্গে দ্বন্দ্ব সমাস কি চর্চা কি গই হ্যায়। तो द्वंद्व समास को बताने के बजाय मैंने पूरी तरह आपको बताने का प्रयास किया है, आपके लिए कुछ कार्ड ही दे दिया है। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 तथा 5 के लिए उत्तर बच्चे स्वयं करें। मैं समास की चर्चा कर रहा हूं, एक बहुव्रीहि समास को छोड़कर मैंने शेष समास को दे दिया है। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास क्रियात्मकता होती है, यह प्रक्रिया है। पदों के मेल से बने शब्द को समस्त पद अथवा सामासिक शब्द कहते हैं। पदों के मेल से बने शब्द को समस्त पद अथवा सामासिक शब्द कहते हैं। समस्त पदों की प्रधान के विचार से समास के 6 भेद है। प्रधानता, समस्त पदों की प्रधानता, गलती है मेरी, भेजा गया उसको आप सुधारेंगे। समस्त पदों की प्रधानता के विचार से समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव अव्यय से बना है, या जिस सामासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो, जिस सामासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो, जैसे यथासंभव, यथा योग्य, प्रत्येक, भरसक, प्रतिदिन। इसमें देखिए यथा, प्रति, भर्ष, प्रति, ये सब जो है यह पूरी तरह संभव शब्द ही, यथा सब संभव, यथा योग्य, प्रत्येक, भरसक, प्रतिदिन, पूरी तरह अलग अलग शब्द ही अव्यय, इसलिए इसमें अव्ययी भाव कहा जाता है। इसमें पहले पद की प्रधानता होती है। बेटे इसमें जिस सामासिक शब्द का पहला पद, शब्द मैंने छोड़ दिया था कल भेजने में, आप सुधार लेंगे, शब्द आप लिख लेंगे, बाकी आपका ठीक चल रहा है। दूसरा है बेटे जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद, उत्तर मतलब बाद वाले पद प्रधान हो, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद यानी बाद के पद प्रधान हो, जैसे राजपुत्र, वन गमन, अकाल पीड़ित, डाक गाड़ी, ऋण मुक्त, सेनापति। आपको जो शब्द मैंने बताए उसमें राजपुत्र, राज, राजा, पुत्र, पुत्र, इसमें पुत्र शब्द की प्रधानता है। राज शब्द उसके विशेषण के लिए उपलब्ध है, संबंध से संबंध है उसका। वन गमन, वन के लिए गमन, वन को गमन, वन अलग है, गमन मूल है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, पीड़ित मूल है, प्रधानता इसकी है। डाक गाड़ी, गाड़ी मूल है, डाक विशेषण है। ऋण मुक्त, मुक्त मूल है, ऋण विशेषण है। सेनापति,
मूल है, सेना विशेषण है। बेटे अब हम कर्मधारय के बारे में बताएंगे। कर्मधारय तत्पुरुष, चूंकि यह तत्पुरुष के ही भेद है, कर्मधारय तत्पुरुष के ही भेद है, तत्पुरुष समास के ही भेद है, इसलिए तत्पुरुष मैंने दे दिया है। जिस समस्त पद का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य, यानी विशेषण और संज्ञा विशेष संज्ञा हो, यथा जैसे महाकाव्य महाविशेषण है, काव्य संज्ञा है, यानी महा महान, काव्य काव्य, तो महान विशेषण है और काव्य विशेष है। पीतांबर पीला अंबर, पीला विशेषण है, अंबर विशेष है। सज्जन सतजन, सत विशेषण है, जन विशेष है। नील गाय नीले रंग विशेषण है, गाय विशेष। महात्मा महान आत्मा, महान विशेषण है, आत्मा विशेष। परमानंद परम आनंद, परमानंद विशेष है, विशेषण है, और आनंद विशेष। बेटे हम चौथे समास की ओर चलेंगे। द्विगु समास, द्विगु, जरा ठीक से सुनेंगे भी, द्विगु समास, द्विगु नहीं कहेंगे, द्विगु, द्विगु समास। जिस सामासिक शब्द का पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची हो, हम समास में समास विग्रह करते हैं, तो पहला पद जो होता है विग्रह होने पर वह संख्या होती है, तथा यथा नवग्रह नौ ग्रह, चौराहा चार राह, सत अवधि शताब्दी, आठ अन्नी अठन्नी, त्रि तीन वेणी धारा त्रिवेणी। इस तरह से चूंकि पहला पद संख्या है इसलिए यह संख्यावाची है और द्विगु समास के उदाहरण है। पांच द्वंद्व समास, जो आपकी किताब में भाषा की बात वाले में नीचे से लिखी हुई लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने पूरा पूरा लिखवाया आपसे दिया आपको। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद यानी पूर्व पद तथा उत्तर पद, पहला खंड तथा दूसरा खंड प्रधान हो, दोनों की प्रधानता है, जैसे राजा रानी, राजा और रानी दोनों की प्रधानता है, माता पिता माता और पिता दोनों की प्रधानता है, रात दिन रात और दिन दोनों की प्रधानता है, जल थल जल और थल दोनों की प्रधानता है आदि हो गया। एक जो बहुव्रीही समास बच जाता है बेटे, मैं अगले दिन लिखकर भेज दूंगा और बता भी दूंगा। धन्यवाद।